रिकॉर्ड कीजिए और आवाज पहुंचाइए वहां तक जहां ये डॉक्टर ये गलत काम करते हैं। बहुत सारे लोग आपकी वीडियो अभी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं जो मदद करेंगे, उनको क्या कहना चाहते हैं आप? उन लोगों को तो इतना ही बोले, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोग को अगर वो लोग हेल्प करेंगे तो, काहे कि बहुत हम लोग का मदद हो जाएगा उससे, जो कर्ज लिए हैं और जो अभी इलाज में पैसा लग रहा है उसमें काफ़ी मदद हो जाएगा। अभी करीब कितने आसपास कर्ज है आपके ऊपर में? 9 से 10 लाख के आसपास कर्ज है। 10 लाख के? पारिवारिक स्थिति कितनी है, कितना इनकम है आपका पर ईयर? 2 भाई है, 1 भाई का 12,000 है, 1 भाई का 10,000 है। तो आप लोग से उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद है कि क्या आप लोग जितना सपोर्ट किए, जितना मदद किए, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग कह रहे थे रेखा को मैं मदद करूंगा, आप ये दीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट किए जो रेखा का जो नंबर है या जो अकाउंट नंबर है आप उपस्थित कराइए या प्रेजेंट करिए, हम उसमें मदद करेंगे। तो अब आप लोग मदद करिए ताकि क्राउड फंडिंग हो सके, एक समुचित पैसा मिलेगा और उस पैसा के मदद से अपना न्याय में जो है आसानी से ये लोग लड़ पाएगी और ये लड़ने में इन लोगों को आसानी मिल पाएगी। सही, मुझे एक लेटर दिया गया है जो महावीर आरोग्य संस्थान के तरफ से आया है, इन्हें मिला है ये लेटर। हम लोग केस भी लड़ेंगे तो केस लड़ने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे टाइम के साथ साथ पैसा भी लगेगा। और यहाँ पे जब निर्मला का केस नहीं देखा गया, उतने दिनों बाद देखा गया, उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। हम लोग को भी अगर उतना टाइम लगेगा तो उसके लिए पैसा भी होना चाहिए। वो लोग जो मदद करना चाहेंगे वो किस पर और कैसे मदद करेंगे? वो लोग गूगल पे या फिर पेफोन अगर यूज करते हैं तो उसके द्वारा कर सकते हैं, हम नंबर दे देते हैं। अच्छा, नंबर दे दीजिए आप ताकि लोग जो हैं जो देख रहे हैं या इतने जो चाहते हैं रेखा को न्याय मिले वो आपको जरूर मदद करेंगे। जी, नंबर है 8882805894। फिर से एक बार इसको रिपीट कर दीजिए, 8882805894। ये गूगल पे और पे फोन सब इसी नंबर। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। अभी कुछ दिन पहले, मतलब 10 दिन पहले मैं एक खबर चलाई थी अपने चैनल पर और वो खबर था जो रेखा थी, रेखा नाम की लड़की महावीर आरोग्य संस्थान गई वहाँ पर कान का इलाज कराने के लिए, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उसका हाथ गंवाना पड़ा, मतलब हाथ काट दिया गया, लेफ्ट हैंड। और उसके बाद क्या हुआ, अभी मैं फिर आया हूँ उसके घर पर क्योंकि रेखा समय समय पर मूर्छित हो जाती थी, सोचा रेखा का क्या हाल है, क्या उसे रेखा को न्याय मिला या न्याय नहीं मिला, या न्याय के जो प्रक्रम है वो अभी तक कहाँ तक पहुँची है। इस प्रक्रम को जानने के लिए मैं उनके घर पर पहुँचा हूँ, ये वही जगह है आप ये देख सकते हैं। और मुझे एक लेटर दिया गया है जो महावीर आरोग्य संस्थान के तरफ से आया है, इन्हें मिला है ये लेटर और ये लेटर में लिखा है कि जो रेखा जो हैं उनकी जो कृत्रिम अंग है, जो लेफ्ट हैंड है वो कृत्रिम अंग लगाने के लिए ये जो अस्पताल जो है, ये महावीर आरोग्य संस्थान ये काम कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा लेटर मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ क्या लिखा गया है। ऊपर से है प्रेषक डॉक्टर यूसी माथुर, निदेशक महावीर आरोग्य संस्थान पटना, सेवा में सुश्री रेखा कुमारी महोदया। आपके अग्रिम उपचार एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संपर्क करने की बहुत चेष्टा की गई, मतलब ये लोग चेष्टा किए यहाँ पर आए नहीं, क्योंकि इन लोगों का भी कहना था आए तो नहीं थे यहाँ पर, नहीं एक बार भी नहीं, एक बार कोई नहीं आए थे, स्टाफ कोई आए थे नहीं, नहीं यहाँ पर कोई नहीं आए थे। यहाँ पर लिखा गया है जो बहुत चेष्टा की गई, चलिए उसमें भी कुछ गड़बड़ी है। आगे देखिए लिखा है कि लेकिन आपके परिजनों की ओर से अभी तक इसमें कोई रुचि नहीं ली गई है। ये सरासर झूठ है क्योंकि परिजनों से अगर कोई रुचि नहीं लेती तो हम मीडिया वाले यहाँ पर आकर के वीडियो ही नहीं बना पाते। 10 दिन पहले हम वीडियो बनाए और आज भी आए हैं वीडियो बनाने के लिए। अगर इनका रुचि नहीं रहता अगर रेखा की न्याय दिलाने में तो यहाँ पर ये लोग वीडियो क्यों बनाते। बाकी आगे देखिए आगे क्या क्या है। इस बीच महावीर आरोग्य संस्थान प्रबंधन की ओर से दिल्ली मैक्स अस्पताल में कृत्रिम अंग लगाने एवं अग्रतर उपचार की समुचित व्यवस्था की गई है। अनुरोध है कि यथाशीघ्र महावीर आरोग्य संस्थान प्रबंधन को कृत्रिम अंग लगाने के लिए की गई व्यवस्था के संबंध में अपनी प्रस्तावित यात्रा की सूचना दे ताकि टिकट, यात्रा, आवासन आदि का समुचित प्रबंध किया जाए। आपके अतिरिक्त 2 परिजनों के दिल्ली आने जाने और वहां ठहरने तथा मैक्स अस्पताल का सारा खर्च महावीर आरोग्य संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब ये जो लेटर है एक फॉर्मेलिटी के लिए आप दिया गया है, फॉर्मेलिटी के जो आपका हम कृत्रिम अंग लगा देंगे, जो हमारी मतलब जो महावीर आरोग्य संस्थान की जो लापरवाही की वजह से जो गई है आपका जो नेचुरल अंग उसका हम लगवा देंगे, सिर्फ उतना। आगे की जो लाइफ है कैसे कटेगी या आगे की लाइफ की जो व्यवस्था है उसके बारे में एक लाइन भी नहीं लिखा गया है, बताइए ये निर्लज्जता की तो हद हो गई है। बाकी यहाँ पर आए हैं, रेखा की स्थिति भी वैसे ही है, रेखा अभी भी यहीं पर बेड पर ही पड़ी रहती है, अभी भी ज़्यादा नहीं कुछ बोलती है क्योंकि हम लोग यहाँ पर आधा घंटा से हैं, देखे हैं रेखा अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं बोलती है।
यहाँ पर आएंगे कि इस प्रक्रम में हुआ क्या है, 10 लाख से ऊपर की खर्च हो गई है, ये खर्च जो है परिवार वाले कैसे वहन करें, क्योंकि कर्ज ले चुका है और कर्ज का तो आप हिसाब जानते ही हैं, ये दिन दुगुना रात चौगुना होता है। अगर आप कर्ज कहीं से लेते हैं तो ये आपको जो होता है जहर जो होता है सांप का जो वेनम, उससे भी ज़्यादा खतरनाक कर्ज को कहा जाता है। ये लोग कर्ज लिए हैं करीब 10 लाख के आसपास, इन लोगों के ऊपर में अभी कर्ज है और ये कर्ज कैसे चुकाएगी इस मामले में हम लोग बातचीत कर रहे थे, कर्ज कैसे चुकाया जाएगा। तो निर्णय हुआ है कि जो अब क्राउड फंडिंग की ओर जाएंगे, तो ये हम लोग अभी वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये लोग रिक्वेस्ट करेंगे और मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इनको ये न्याय दिलाने में मदद करें। अगर आपका 10 रुपये 20 रुपये या 50 रुपये जो भी आप मदद कर सकते हैं, हो सकता है तो आप 1000 रुपये, अगर आप ज़्यादा कैपेबल है तो उससे भी ज़्यादा आप जितना तक दे सकते हैं दे दीजिए, ताकि ये लोग अपने न्याय के लिए लड़ेंगे। बताइए, इसमें तो न्याय की एक भी बात नहीं की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि कृत्रिम अंग लगा दिया जाएगा। अब कृत्रिम अंग तो बहुत सारे ऐसे NGO है हमारे देश में, बहुत सारे ऐसे NGO है जो कृत्रिम अंग लगाने के लिए है। आपकी कोई सहानुभूति नहीं चाहिए, ये महावीर अस्पताल में आपको स्पेशली कह रहा हूँ। ये लोग कैसे से कैसे नेहा ये रेखा की जो जिंदगी है आगे की, वो जिंदगी कैसे कटेगी, उसके लिए आप एक बार भी नहीं सोची, निर्लज्जता की हद होती है। बाकी रोशनी से जानिए, रोशनी क्या कहना चाहती है इस पर, रोशनी इस प्रक्रम में कितना कुछ झेली है और आगे की कितने क्या कहना चाहती है, रोशनी से ही जान लीजिए क्या कहना चाहते हैं रोशनी। क्योंकि अस्पताल प्रबंधन से तो कुछ ऐसा रेखा की कोई आगे की जीवन के बारे में कुछ बात ही नहीं किया गया। अब वो लोग आगे का तो बात किए नहीं आगे के जीवन के लिए, और हम लोग केस भी लड़ेंगे तो केस लड़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम के साथ साथ पैसा भी लगेगा। और यहाँ पे जब निर्मला का केस नहीं देखा गया, उतने दिनों बाद देखा गया, उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। हम लोग को भी अगर उतना टाइम लगेगा तो उसके लिए पैसा भी होना चाहिए। हमारे देश में निर्भया कांड हुआ, दामिनी कांड हुआ, पूरे देश में आंदोलन जैसी छिड़ गई थी, एकदम सब मोमबत्ती कैंडल लेकर पूरा सड़क पर उतर गए थे कि जो निर्भया को दामिनी को न्याय दिलवाएंगे। उस न्याय में हो सकता है बहुत सारे वकील आए, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़े, लेकिन फिर भी बहुत सारे खर्च लगे। और इनका तो कोई वकील अभी आई है और जाने माने अगर वकील कितना दिन तक लड़ सकते हैं, 5 महीना 6 महीना साल भर लड़ सकते हैं आगे की ज़िंदगी। क्योंकि निर्भया जैसे केस बहुचर्चित केस थी, उसमें 20 साल से ऊपर लगी। अब बताइए, एक इतना बड़ा हाईलाइटेड केस जिसके पूरा देश में जिसको न्याय के लिए आवाज़ उठ गई थी, पूरे देश में लोग चक्का जाम करने लगे थे क्योंकि उसका न्याय दिलाएंगे, उसमें 20 साल के आसपास लग गई, एक इसका हाथ गया है। और इस केस को आपको क्या लग रहा है जो न्याय दिलाने में 1 साल और 5 महीना 6 महीने में लग जाएगी? मतलब कहने का मतलब सिर्फ यही है कि इसमें बहुत बड़ा फंड की जरूरत पड़ेगी अगर ये न्याय के लिए आगे जाती है, और वो फंड ये कैपेबल नहीं है उतना कर पाएगी। ये फंड आप ही लोगों से, मतलब जनता ही इसके मदद कर सकती है, जनता का जो क्राउड फंड होता है उसी फंड के माध्यम से ही इनको न्याय मिलेगा। बाकी ये जो फंड है, वो लोग जो मदद करना चाहेंगे वो किस पर और कैसे मदद करेंगे? वो लोग गूगल पे या फिर पेफोन अगर यूज करते हैं तो उसके द्वारा कर सकते हैं। हम नंबर दे देते हैं। अच्छा, नंबर दे दीजिए आप, ताकि लोग जो हैं जो देख रहे हैं या इतने जो चाहते हैं रेखा को न्याय मिले, वो आपको जरूर मदद करेंगे। जी, नंबर है 8882805894। फिर से एक बार इसको रिपीट कर दीजिए, 8882805894। ये गूगल पे और पेफोन सब इसी नंबर पे। गूगल पे पेफोन इस पर नंबर है, आप लोग इस पर मदद करिए। मैं भी आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि आप लोग मदद करेंगे जो भी देखे होंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे लोग इस पर कॉल किए थे पिछला वीडियो पर, इवन कि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे कह रहे थे कि आप लोग उनका अकाउंट नंबर दिलवाइए, ये दिलवाइए। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और इन लोगों से बातचीत किया जी, क्राउड फंड के मदद से आप लोग अपनी न्याय जो है आसान तरीका से लड़ सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा आप लड़ कैसे सकते हैं? क्योंकि अगर आप लड़ने के लिए जाइएगा तो यहाँ से जाने की खर्चा होगी, इवन कि एक एक वकील 5,000 10,000 50,000 लाख रुपए की यहाँ की डिमांड करेंगे, 5 महीना 4 महीना। तो अभी तक जितने दिन बहुचर्चित केस है उतने दिन तक हो सकता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई लड़ सकते हैं, लेकिन आगे की जो लड़ाई होगी वो आपको पैसे से ही लड़ना होगा, और विदाउट पैसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोग भी जानते हैं, समझदार हैं, तो थोड़ा सा मदद करिए। 10 20 50 25 हम लोग ऐसे खर्च कर सकते हैं और ऐसे खर्च कर देते हैं, तो थोड़ा सा मदद करिए। और क्राउड फंड की मदद से ये जो रेखा के साथ जो हुआ है उस पर आप लोग मदद करिए। इसी मदद आप लोग करेंगे उसमें रेखा का भलाई हो जाएगा। और महावीर आरोग्य संस्थान जैसे जो इतने बड़े इंस्टीट्यूट है, इतने बड़े जो संस्थान है, उसकी मनमानी रोकी जा सकती है। क्योंकि बताइए, इसमें सिर्फ कृत्रिम अंग लगाने की बातचीत की गई, इतनी निर्लज्जता पहली बार मैंने देखी है। और ये बताइए, जो रेखा की अभी स्थिति कैसी है?
अभी तो धीरे धीरे रिकवर हो रही है, लेकिन अभी जख्म बहुत गहरा है, उसको ठीक होने में 5 से 6 महीना लग जाएगा जख्म भरने। 5 से 6 महीना लग जाएगा जी। अच्छा, बहुत सारे लोग आपकी वीडियो अभी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं जो मदद करेंगे, उनको क्या कहना चाहते हैं आप? उन लोगों को तो इतना ही बोले बहुत बहुत धन्यवाद उन लोग को, अगर वो लोग हेल्प करेंगे तो काहे कि बहुत हम लोग का मदद हो जाएगा उससे, जो कर्ज लिए हैं और जो अभी इलाज में पैसा लग रहा है उसमें काफ़ी मदद हो जाएगा। अभी करीब कितने आसपास कर्ज है आपके ऊपर में? 9 से 10 लाख के आसपास कर्ज है। 10 लाख के। पारिवारिक स्थिति कितनी है, कितना इनकम है आपका पर ईयर? 2 भाई है, एक भाई का 12,000 है, एक भाई का 10,000 है। अब देखिए 10 लाख रुपया है इन लोगों का कर्ज, समझिए 10 लाख रुपया और एक भाई का 10,000 रुपया और एक भाई का 12,000 रुपया, मतलब टोटल 22,000 रुपया। खाना पीना छोड़ दीजिए, खाना पीना में अगर खर्चा कर देंगे तो समझिए दोनों मिलाकर के 10,000 रुपया हटा दीजिए, 10 से 12,000 रुपया। अब इस कर्ज का जो है सूद भी लगेगा, इंटरेस्ट भी इस पर कर्ज पर? हाँ, इंटरेस्ट तो लगेगा, एक आजकल कौन बिना इंटरेस्ट का कर्ज देता है? 10% से तो मिनिमम इंटरेस्ट मिलता नहीं है हमारे मार्केट में। अब समझ लीजिए ये लोग तो इंटरेस्ट ही चुकाएंगे, जितना पैसा देंगे वो तो इंटरेस्ट भी नहीं भर पाएगा। तो आप लोग से उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद है कि आप लोग जितना सपोर्ट किए, जितना मदद किए, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग कह रहे थे रेखा को मैं मदद करूंगा, आप ये दीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट किए, रेखा का जो नंबर है या जो अकाउंट नंबर है आप उपस्थित कराइए या प्रेजेंट करिए, हम उसमें मदद करेंगे। तो अब आप लोग मदद करिए ताकि क्राउड फंडिंग हो सके, एक समुचित पैसा मिलेगा और उस पैसा के मदद से अपना न्याय में जो है आसानी से ये लोग लड़ पाएगी और ये लड़ने में इन लोगों को आसानी मिल पाएगी। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? जी जी, सही कह रहे हैं, सही बात है आपका। तो आप लास्ट में फिर से बता दीजिए क्या नंबर है ताकि लोग जो है ये और मतलब जो ऑथेंटिकेट समझेंगे, बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं कि लोग समझेंगे जो इधर उधर का नंबर डाल दिए हैं अपना पैसा कमाने के लिए। नहीं नहीं, वो एक बार फोन करके भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि अगर लाखों लोग देखेंगे तो लाखों लोग फोन करेंगे तो उतना कैसे आप रिसीव कर पाइएगा? जी जी, ये हो सकता है ना, लाखों लोग रिसीव नहीं कर पाएगा। आप अपना अकाउंट का नेम बता दीजिए, अकाउंट नंबर क्या है ये बता दीजिए, कौन से बैंक अकाउंट में है, ताकि लोगों को विश्वास हो जाएगा जो हाँ जो उसी अकाउंट में हम लोग जा रहे हैं। 8828058984 ये फोन पे और ये गूगल पे है, पेटीएम सब इस पे है। ये कौन से बैंक अकाउंट का ये नंबर है? सरस्वती बैंक। आप समझ सकते हैं सरस्वती बैंक जो है, आप लोग बहुत सारे लोग नहीं सुने होंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा। परिवार की आय जो है 10,000-12,000 का है, बैंक अकाउंट से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता, क्योंकि जितना कमाते होंगे उतना खा ही लेते होंगे, इसीलिए परिवार की स्थिति आप देख सकते हैं, घर के बेड के बगल में इस तरह की स्थिति कौन रखता है? आप देख सकते हैं अगल बगल में, देखिए कौन रखता है ऐसे घर के, अपने जो है सजावट की सामान तो है नहीं, ये कपड़ा है, कपड़ा इस तरह से रखे हुए हैं घर के अगल बगल में। तो आप ये स्थिति देख ही रहे हैं, अगर आप मदद करना चाहते हैं तो खुलकर मदद करिए, ताकि ये मदद करने से इन लोगों की जो न्याय में है आसानी होगी। तो मदद करिए। मेरा नाम पंकज झा है और आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।